Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. अजय देवगन की फिल्म टोटल धमाल बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छे दर्शक बटोरती नजर आ रही है। इस फिल्म को काफ़ी लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ के साथ नवाजा है। साथ ही साथ आपको बता दें, अब इस फिल्म को अच्छे कामयाबी मिलने का कारण ये भी हो रहा है कि लोग इसको अच्छी वर्ड ऑफ माउथ दे रहे हैं, क्योंकि इस वजह से ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी चलती नज़र आ रही है। तो वहीं बात करते हैं इस फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन इंडिया के अंदर 16.50 करोड़ रुपए का आका गया है। इसी के साथ आपको बता दें, इस फिल्म के कॉपीराइट्स 200 करोड़ रुपए में पहले बेचे जा चुके हैं और वर्ल्ड वाइड में इस मूवी का कलेक्शन 10 करोड़ रुपए आका गया है। तो वहीं बात करें, अगर तीनों कलेक्शन को जोड़ लिया जाए तो 236.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन टोटल धमाल ने अपने पहले दिन से करने की शुरुआत कर दी है। और इस मूवी के पहले दिन अच्छे ओपनिंग डे कलेक्शन की एक वजह ये भी लगाई जा रही है कि इस फिल्म को फैमिली एंटरटेनर फिल्म बनाया गया है। इसको हर वर्ग का इंसान फिल्म को देख सकता है, क्योंकि इस फिल्म को बनाया है इतना कॉमेडी है कि हर इंसान इस फिल्म को देखना पसंद करेगा। इसी वजह से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करती नज़र भी आ रही है। इस फिल्म ने पहले दिन 16.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। हालांकि हम ये भी मान सकते हैं कि इस फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन में थोड़ी सी गिरावट इसलिए भी देखी जा सकती है, क्योंकि पुलवामा अटैक के कारण पूरे देश के अंदर थोड़ा दुख का माहौल छाया हुआ है। इस वजह से लोग भले ही फिल्में शायद देखना पसंद ना कर रहे हों, इस वजह से इस फिल्म का थोड़ा कलेक्शन डाउन हो चुका है। तो देखते हैं अब इस फिल्म का कलेक्शन अगले दो दिनों के अंदर वीकेंड तक कितना आका जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस फिल्म का कलेक्शन इस वीकेंड कितना हो सकता है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी की ऐसी और भी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन, ताकि आपको हर खबर मिले यहाँ पे सबसे पहले।